नदी किनारे एक गांव बसा हुआ होता है। फिर एक दिन उस गांव में लोगों की सिरकटी लाश के मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज सुबह कुएं के पास गांव वालों को एक सिरकटी लाश मिलती। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन गांव वालों का सिर कौन काट रहा है। फिर एक दिन रात होने पर मीना को पड़ोसी के चीखने की आवाज आती है। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो अपनी खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे एक चुड़ैल की पीठ दिखाई देती है। उसने हाथ में बहुत सारे गुब्बारे पकड़े होते हैं। वो सब गुब्बारे हवा में उड़ रहे होते हैं। उन गुब्बारों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो गुब्बारे नहीं इंसानों के सिर होते हैं। अरे मर गई रे, ये तो वही चुड़ैल है जो लोगों के सिर काट कर अपने साथ ले जा रही है। अजी जल्दी उठिए, वो देखिए ये वही औरत है जो लोगों के सिर काट कर अपने साथ ले जाती है। अरे जल्दी आइए ना। फिर मांगू उठता है और खिड़की से झांक कर देखता है, लेकिन वो चुड़ैल अंधेरे में ओझल हो चुकी होती है। अरे क्या मीना, आधी रात को तुम्हें वहम हो रहा है, वहाँ तो कोई नहीं है। देखो मैं जानता हूँ, गांव में सर काटने की घटना बढ़ती जा रही है, इस वजह से तुम घबराई हुई हो, इसलिए यनाप शनाप की बातें कर रही हो। चलो सोने चलो। इतनी रात गए यूं खिड़की पर खड़ा होना सुरक्षित नहीं है। अजी नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये वही चुड़ैल है जो लोगों के सिर काट रही है। फिर अगले दिन सुबह होने पर सब गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। वो मीना सब गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बताती है। फिर सब गांव वाले मीना की बताई हुई जगह पर जाते हैं जहां उसने रात को चुड़ैल को देखा था। वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उन्हें खून की बूंदे और चुड़ैल के उल्टे पैरों के निशान मिलते हैं। अरे बाप रे, लगता है मीना सही कह रही थी। देखो भाइयों, ये उल्टे पैरों के निशान किसी आम इंसान के नहीं है, ये जरूर चुड़ैल के ही है। देखो भाइयों, ये बात तो पक्की है कि हमारे गांव पर अब एक चुड़ैल का साया है। जब तक हम इस चुड़ैल का कोई समाधान नहीं ढूंढ लेते, कोई भी व्यक्ति रात होने पर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। फिर सब गांव वाले अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर रात होने पर एक शराबी अपने घर के बाहर खटिया डालकर शराब पी रहा होता है। जरा सा झूम लूं मैं, अर नर नर रा, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे नर नर ना। आज तो मजा ही मजा आ रहा है। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अरे नास मिटे, घर के अंदर बैठकर पी ले, भूल गया क्या सुबह सरपंच जी ने क्या कहा था? गांव में सिर काटने वाली चुड़ैल घूम रही है, रात बहुत हो गई है, कहीं वो आ गई तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। अरे चल भागिया से मेरा सारा नशा ही उतार दिया। मैं किसी चुड़ैल वुड़ैल से नहीं डरता, मैं तो रात भर यहीं बैठकर दारू पियूंगा। अरे जरा सा झूम लूं मैं, अरे नरे नरे ना। हे भगवान, अब क्या करूं? ये तो समझ ही नहीं रहे बाहर कितना खतरा है। ए, चल भागिया से। भाड़ में जाओ, मुझे क्या, जब चुड़ैल आएगी तभी तुम्हें पता चलेगा। फिर इतना बोलकर सीमा घर के अंदर चली जाती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। चमन वहीं बैठकर अपनी मस्ती में शराब पीने लगता है। थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है, नहीं नहीं। तभी अचानक से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। मम्मी ये किसकी आवाज है भाई? कौन है भाई? कौन मजाक कर रहा है? डराओ मत भाई, सामने आ जाओ, दोनों भाई साथ में बैठ कर पियेंगे। आ जाओ सामने आ जाओ। तभी वो चुड़ैल हाथ में लोगों के कटे सिर लेकर उसके सामने आ जाती है। आई मम्मी, ये तो सच में सर काटने वाली चुड़ैल है, ये तो सच में आ गई। अरे नास मिटी चुड़ैल, ये लोगों के सिर को
को बारे समझ कर कहाँ घूमती फिर रही है, है? अब क्या करूं? क्या करूं? अरे दरवाजा खोल, देख तेरी अम्मा सच में आ गई। अरे दरवाजा खोल, अरे खोल दे। वो बहुत देर तक दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन सुमन गहरी नींद में सो रही होती है। अरे मर गया रे, अरे प्रियतम दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम विधवा हो जाओगी। ये खोलो दरवाजा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। सच में तुम्हारी तुम्हारी मम्मी की कसम। जल्दी दरवाजा खोल दो, खोलो ना, खोल दो। अरे कहाँ भाग रहा है, जरा मेरे पास तो आ। तभी सुमन की नींद खुलती है और वो दौड़ती हुई दरवाजे की ओर जाती है। अजी जानू, मेरी जानू, जल्दी दरवाजा खोलो, खोलो दा। फिर सुमन जैसे ही दरवाजा खोलती है, चमन झट से घर के अंदर घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अरे नास्मिति, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अपने पति को मरवाना चाहती थी क्यों? अजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंख लग गई थी। फिर वो दोनों खिड़की से बाहर झांक कर उस चुड़ैल को देखने लगते हैं। चुड़ैल वहीं उनके घर के बाहर खड़ी होती है। तभी उस चुड़ैल की नजर उस शराब की बोतल पर पड़ती है। अरे ये क्या चीज है? फिर चुड़ैल उस बोतल को उठाती है और पूरी शराब पी जाती है। अरे नहीं, ये नासमिटी तो मेरी शराब की पूरी बोतल ही गटक गई। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया थी, मजा आ गया। मैं कल फिर आऊंगी, मुझे ऐसी एक और बोतल चाहिए, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी, समझ गया तू? फिर इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। बाल बाल बच गए आज तो, शुक्र है भला चली। अजी मुझे लगता है इस चुड़ैल को भी आपकी तरह शराब की लत लग गई है, अब ये रोज यहाँ आएगी। फिर सुबह होने पर सुमन और चमन सभी गाँव वालों को रात की घटना के बारे में बताते हैं। ठीक है, आने दो चुड़ैल को। फिर रात होने पर चमन अपने घर के बाहर मेज पर एक शराब की बोतल रख कर घर के अंदर भाग जाता है और सब गांव वाले अपने अपने घर की खिड़कियों से छुप छुप कर उस चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक शराबी चमन के घर के बाहर से गुजरता है, उसकी नज़र उस शराब की बोतल पर पड़ती है। मुफ्त की शराब देख कर वो खुश हो जाता है। अरे वाह वाह, आज तो मजा आ गया, लगता है चमन भाई इस बोतल को यहाँ रख कर भूल गए हैं। बढ़िया है, शराब को यूं इंतजार करवाना ठीक नहीं है, चलो पार्टी हो जाए। फिर वो शराबी बोतल को उठाता है और पीने लगता है। अरे रुक कमबख्त शराबी, बोतल को नीचे रख, मुफ्त की शराब मिलते ही पीना शुरू है, चल रख बोतल को वापस। अरे भाई मुझे लगा तुम बोतल रख कर भूल गए हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लो रख दी। तभी कुछ देर इंतजार करने पर अचानक से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगती है। अरे नीलम देखो कुत्ते रो रहे हैं, वो चुड़ैल जरूर यहीं कहीं है। तभी उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और कुछ ही देर में चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। उस शराब की बोतल को देखकर वो खुश हो जाती है। अरे वाह, ये गांव वाला तो अपने वादे का पक्का निकला, चलो दावत हो जाए। फिर वो चुड़ैल उस बोतल को उठाती है और एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाती है। अरे नहीं, कल तो इसका स्वाद बहुत बढ़िया था। तभी वो बोतल पीते ही चुड़ैल का शरीर अंदर से जलने लगता है, उसके कान और आंखों से आग निकलती है। अरे नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? अरे गांव वाले तेरा नास मिटे, ये तूने मुझे क्या पिला दिया? आ, आ, अरे मर गई रे, ये मुझे क्या हो रहा है? तभी उस चुड़ैल को तड़पता देख सब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। यों चुड़ैल मजा आया, तूने ये क्या पिला दिया मुझे? मूर्ख चुड़ैल, इस बोतल में कोई शराब नहीं थी बल्कि पवित्र गंगा जल था। अरे नहीं, ये मैंने क्या पी लिया? तभी देखते ही देखते चुड़ैल अंदर से जलने लगती है और कुछ ही देर में वो चुड़ैल जल कर राख हो जाती है।
अजी अब आप भी शराब पीना छोड़ दीजिए और गंगा जल पीना शुरू कर दीजिए, आप भी अंदर से पवित्र हो जाएंगे।